हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम चेतना पुरब एंड आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडिया के ऑपरेशन विजय के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। वी आर अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द मेजर डिफरेंशिएटेड एग्जामिनेशंस लाइक एफकैट, सीडीएस, एनडीए एटसेट्रा। और डिटेल्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट learn.ssbcrackexams.com पे विजिट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल SSB Crack Exams, जहाँ पे आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगे करेंट अफेयर्स प्लस डिफेंस रिलेटेड। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एट SSB Crack Exams एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, दैट इज SSB Crack Exams। लेट्स स्टार्ट। 1999 में जो करगिल की लड़ाई हुई थी, which is also known as the Kargil War, which was between India and Pakistan, जो कि मई जुलाई के महीने में 1999 में लड़ी गई थी इन द करगिल डिस्ट्रिक्ट, जो कि तब के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आता था, बट अभी एज ऑफ प्रेजेंट डे लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में आता है। लद्दाख के जो यूनियन टेरिटरी है उसमें ये करगिल डिस्ट्रिक्ट आती है। एंड उस लड़ाई की के लिए जो मिशन था, जो ऑपरेशन था ओवरऑल लड़ाई के लिए, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय, विच वॉज द नेम ऑफ द इंडियन ऑपरेशन टू क्लियर आउट द करगिल सेक्टर, जहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स जो थे पाकिस्तान की तरफ से, जो घुसपैठिए थे या फिर मिलिटेंट्स थे या फिर पाकिस्तानी आर्मीज थी, बहुत सारी चीज़ें थी। वो सारी डिटेल्स मैं अभी आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो उसके अगेंस्ट में जो ये ऑपरेशन था उसका नाम ऑपरेशन विजय दिया गया था। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके और डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बिल्ड अप टू द वॉर, यानी कि कौन कौन से वो रीजंस थे जिसकी वजह से ये वॉर एक्चुअली में एग्जिस्ट करी, एक्चुअली में ये वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो एक सबसे बड़ा रीजन, ऑफकोर्स वी नो दैट इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री इंडिपेंडेंस के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा रफ रही है, हमेशा टेंशन रहे हैं बॉर्डर पे। बट स्पेशली जो इंडिया ने न्यूक्लियर डेवलपमेंट स्टार्ट किया 1960s में, उसके बाद से बातें बढ़ना स्टार्ट हुई। देन पाकिस्तान ऑफकोर्स लॉस्ट द वॉर इन 1971, उस समय भी उनका एक मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था। फर्दर शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद ये डिसाइड कर लिया गया कि LOC ही फिक्स लाइन होगी, उसके बाद फर्दर कोई भी एक्विजिशन नहीं हो सकता था पाकिस्तान की तरफ से अगर वो चाहते तो भी। उसके बाद ये जो प्लान था करगिल पे अटैक करने का या करगिल रीजन पे अटैक करने का, वहाँ से फिर इन्फिल्ट्रेट करने का, फिर जम्मू एंड कश्मीर के कुछ रीजन्स को या फिर कश्मीर के कुछ रीजन्स को अक्वायर करने का पाकिस्तान का, वो बहुत पहले से था। तो 1980s और 1990s के टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी ने एक यू कैन से ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था, प्रपोज किया था वहां की गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कोई भी एक्शन लेने से। जब 1998 के टाइम पे वहां पे जनरल परवेज मुशर्रफ वहां के आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये डिसाइड किया, उनके आने के बाद से ये चीज़ें बढ़ गई एंड इनफैक्ट उन्होंने बिना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताए हुए अटैक करना स्टार्ट किया करगिल रीजन में। फिर उसके बाद एक मेन रीज़न ये भी बताया जाता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर रीजन है जिसपे इंडिया का कंट्रोल था, उसे भी पाकिस्तान नहीं चाहता था कि वो इंडिया कंट्रोल करे एंड उस पर भी डोमिनेंस पाकिस्तान को चाहिए था। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि करगिल रीजन को ही क्यों चुना गया। तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा या फिर इफेक्टिव रीजन एक ये भी हो सकता है, रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आप मैप देखोगे तो मैंने ब्लू लाइन से देखो रफली यहाँ पे LOC यहाँ पे बताया आपको, जो ग्रीन लाइन है ये शो करती है NH1 को। ठीक है, NH1 इज नेशनल हाईवे 1, जो कि श्रीनगर से होते हुए लेह तक को कनेक्ट करती है एंड फर्दर लेह से जो भी सप्लाईज हैं वो सियाचिन ग्लेशियर के लिए जो भी अम्यूनिटीज़ हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर जो पाकिस्तानी थे उनका प्लान ये था कि जो ये वाला पर्टिकुलर रीज़न है करगिल द्रास वगैरह का जो रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक एडवांटेज की बात उनके पर्सपेक्टिव से ये थी कि ये जो रीजन है LOC के बहुत क्लोज है, जहाँ से NH1 पास करती है। ठीक है, तो अगर वो इस रीजन को NH1 को अक्वायर करके उसे डिस्ट्रॉय कर ले या फिर उस पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर ले, तो श्रीनगर और लेह के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा तो फिर अम्यूनिटीज नहीं पहुंच पाएंगी एंड फिर सियाचिन ग्लेशियर पे फर्दर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड फिर वहां पे मिलिट्री को भी प्रॉब्लम होगी एंड फिर वहां पे वो फर्दर अटैक करके उसे भी अक्वायर करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये एक मेन एक और रीजन था, वन ऑफ द मेनी रीजंस कि ये करगिल रीजन ही क्यों चुना गया। प्लस एक और रीजन ये भी था कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की जो घाटियाँ हैं, वो बहुत ही डाउनवर्ड स्लोप में थी। तो वहाँ पे अगर हिल पे जाके या फिर टॉप पोजीशन पे जाके अगर वो बेस बना ले तो फिर वहाँ से उन्हें काउंटर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इंडियन सोल्जर्स के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। तो वो भी एक रीजन था कि वहाँ पे उन्होंने वो करगिल रीजन ही चुना। ठीक है, फर्दर अगर हम आगे बढ़े तो फिर
मैं कॉज ऑफ द वॉर की बात करूँ तो ऑफकोर्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तानी इरेगुलर्स एंड सोल्जर्स, क्योंकि सोल्जर्स के साथ साथ कुछ इरेगुलर्स भी थे, कुछ डिस्गाइज होके सिंपल मिलिटेंट्स के फॉर्म में भी वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स वहाँ से आए थे, जिनको ऑफकोर्स बाद में ये पता चला था जब वो मारे गए थे, फिर उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देखा गया था, फिर वहाँ से पता चला था कि ये पाकिस्तानी आर्मी के मेंबर्स हैं। उसके बाद कुछ ऐसे टेररिस्ट भी थे जिनको डिस्गाइज करके फिर इसी ऑपरेशन में उनकी तरफ से डिप्लॉय किया गया था। देन फर्दर पाकिस्तान की जो पीएम थे एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस टाइम पे, उन्होंने भी कंफर्म किया कि पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। फर्दर अब मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या क्या थे, ठीक है, किस तरह से जो भी इवेंट्स हुई वो हुई। तो 1999 के फेब्रवरी मार्च के टाइम से ही ये धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी कारगिल रीजन में, बट इनिशियली सबसे पहले 3 मई को एक पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन जो है उसे रिपोर्ट किया गया। कश्मीरी कुछ शेफर्ड थे, उन्होंने इसे रिपोर्ट किया, फिर उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने 5 मई को रिस्पॉन्स टीम भेजी, पेट्रोलिंग टीम भेजी इंडियन आर्मी की तरफ से, बट उनको कैप्चर कर लिया गया, फिर दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ। फर्दर 10 मई को मल्टीपल इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगी द्रास रीजन में, करगिल के पास जो द्रास रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगी, बहुत हैवी अमाउंट में इन्फिल्ट्रेटर्स आने लगे, एंड जिसके रिस्पॉन्स में फिर अराउंड 15-16 या फिर मिड ऑफ मई के टाइम पे इंडियन आर्मी ने बहुत सारे सोल्जर्स को डिप्लॉय किया, मूव किया कश्मीर वैली से फिर करगिल रीजन में। उसके बाद 26 मई को ऑपरेशन सफ़ेद सागर स्टार्ट किया गया, एंड दिस वॉज ऑफकोर्स मैनेज बाई इंडियन एयरफोर्स। फर्दर 6 जून को इंडिया ने बहुत सारी ऑफेंसिव, मतलब बेसिकली ऑफेंसिव तरीके से फिर उसको टैकल करना स्टार्ट किया, जो सिचुएशंस थी वहाँ के आसपास की, जो एरिया से जिनको रिकैप्चर करना था उसे रिकैप्चर करने के लिए काफ़ी ऑफेंसिव तरीका अपनाना स्टार्ट किया आफ्टर 6 जून। फाइनली 9 जून को इंडिया ने बटालिक रीजन के कुछ हिल्स को या फिर कुछ टॉप्स को उन्होंने कैप्चर किया, रिकैप्चर किया मैं कहूँगा। देन फर्दर 11 जून को एक फोन कॉल इंटरसेप्ट किया गया परवेज मुशर्रफ का, जो कि वापस पाकिस्तानी आर्मी के चीफ से बात कर रहे थे रावलपिंडी में, एंड उससे ये प्रूफ हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। फर्दर यूएस के जो प्रेसिडेंट थे तब बिल क्लिंटन ने, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर किया, प्रेशराइज किया उन्हें कि वो अपनी पाकिस्तानी आर्मी को या फिर ट्रूप्स को वापस से या फिर वापस पाकिस्तान खींच लें। फर्दर 15 जून को सॉरी 29 जून को पाकिस्तानी ट्रूप्स ने रिट्रीट किया टूवर्ड्स टाइगर हिल, एंड रिस्पॉन्स में 5 जुलाई तक इंडिया ने सक्सेसफुली रिकैप्चर किया टाइगर हिल को, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से माइलस्टोन इन दिस इंटायर ऑपरेशन विजय। 11 जुलाई को पाकिस्तानी फोर्सेस ने पूरी रीजन से डिसंगेज करना स्टार्ट किया, पुल आउट करना स्टार्ट किया, वो वापस जाने लगे, एंड 14 जुलाई को, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, जहाँ पे ऑपरेशन विजय को सक्सेस डिक्लेयर किया गया। फर्दर 26 जुलाई को तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने करगिल वॉर को ऑफिशियली एंड किया, एंड 26 जुलाई को ही इसी वजह से हम हर साल 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय दिवस या फिर करगिल विजय दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोज। टिल नेक्स्ट सेशन, थैंक यू, जय हिंद।